हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं निकेत आपका स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल पे जिसका नाम है मिस्टर अनी फैक्ट्स। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इस वीडियो में WWE इंडियन रेसलर वीर महान की। इनका असली नाम वैसे रिंकू सिंह राजपूत है और इनका जन्म हुआ था 8 अगस्त सन 1988 को उत्तर प्रदेश के गोपीगंज भदोही में। ये कुल मिला के 7 बहन भाई थे और इनके पिताजी एक मामूली से बस ड्राइवर थे और ये एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। एक इंटरव्यू के दौरान वीर महान बताते हैं कि उनका सपना इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना था, लेकिन उन्होंने इस चीज़ की तैयारी भी की थी लेकिन कम उम्र होने की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। हम आपको बता दें कि वीर महान की लंबाई 6 फुट 4 इंच है और इनका वजन 125 किलो है। वह बचपन से ही भाला फेंकने में बहुत अच्छे थे जिसमें उन्होंने जूनियर नेशनल का गोल्ड मेडल भी जीता था। इस नेशनल मेडल की वजह से उन्हें लखनऊ के गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज में एडमिशन मिला था। उन्होंने सन 2008 में द मिलियन डॉलर आम नाम के इंडियन रियलिटी टीवी शो में भी हिस्सा लिया था। यह एक बेसबॉल रियलिटी शो था और ये इस शो को जीत भी गए थे। भारत में रियलिटी शो जीतने के बाद वे बेसबॉल की तरफ इतना अट्रैक्ट हुए कि वह इस खेल को अपना करियर बनाने के लिए अमेरिका चले गए। वहां पर जाकर अलग अलग बेसबॉल टीम में अप्लाई करने के बाद उन्हें पिट्सबर्ग पायरेट्स नाम की एक फेमस टीम में जगह मिल जाती है। अलग अलग जगहों पर बेसबॉल खेलने के दौरान उन्हें रेसलिंग के कुछ लोग भी मिलते हैं जहां से वे रेसलिंग की तरफ अट्रैक्ट हुए। सन 2016 में उन्होंने बेसबॉल को अलविदा कह दिया और रेसलिंग की तरफ अपने करियर को मोड़ने का प्रयास किया। फिर वह इंडियन रेसलर सौरभ गुज्जर के साथ मिलकर अमेरिका में होने वाले अलग अलग रियलिटी शो में हिस्सा लेने लगते हैं। फिर इसी दौरान वह WWE NXT में सौरभ गुज्जर के साथ मिलकर द इंडियन शेर नाम की एक टैग टीम बनाते हैं। फिर इसी दौरान वह इंडियन रेसलर जिंदर महल से मिलते हैं, सॉरी उनका नाम जिंदर महाल है। फिर यह तीनों खिलाड़ी एक साथ मिलकर WWE में लगातार 12 मैचेस जीत जाते हैं, मगर अचानक कुछ कारणों की वजह से इन तीनों को अलग होना पड़ता है। और फिर कुछ समय बीतने के बाद वीर महान अपने रूप और अच्छी फिजिकल हेल्थ की वजह से WWE के मेन रोस्टर में हिस्सा ले पाते हैं और WWE रो से जुड़ जाते हैं। WWE रो से जुड़ने के बाद वो वीर महान के नाम से जाने लगते हैं।